सो हेलो गाइस, वेलकम टू टेक्निकल रैंक यूट्यूब चैनल। गाइस आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने बड़े साइज वाले फाइल्स को कन्वर्ट करके उसको कंप्रेस करके उसका साइज कम कैसे कर सकते हो, जिससे आपका जो स्टोरेज है वो भी काफी ज्यादा फ्री हो जाता है। लेकिन गाइस उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपने भी काफी सारे वीडियोज देखे होंगे यूट्यूब पे जिसमें काफी सारे बड़े बड़े फाइल्स को कंप्रेस करके वो लोग काफी ज्यादा छोटे फाइल्स में कन्वर्ट कर देते हैं और आपको दिखाते हैं। तो गाइस यहाँ पे मैंने इसी तरह से एक और वीडियो देखा था जिसमें उस बंदे ने GTA 5 जैसे गेम जिसका साइज 50 से 60 GB होता है उसको उसने कंप्रेस करके 100 या 150 MB में उसको कन्वर्ट कर दिया था। तो गाइस यहाँ पे मैं बता दूं कि ये सारे वीडियोस फेक होते हैं, कंप्रेशन ऐसे काम नहीं करता है कि आप 100 GB वाली फाइल्स 50 GB वाली फाइल्स को सिर्फ 50 MB या फिर 100 MB में उसको कन्वर्ट कर सको। गाइस अगर ऐसा होता तो जो कंपनीज है बड़ी बड़ी, जो सॉफ्टवेयर कंपनीज है, जो गेम कंपनीज है, वो जो अपने बड़े बड़े गेम्स आपको प्रोवाइड करते हैं 50 GB 60 GB में, वो लोग भी इसको कंप्रेस करके आपको 100 MB 200 MB में प्रोवाइड कर सकते थे। लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप 100 GB वाले फाइल्स को 100 MB में कन्वर्ट कर सको। आप काफी सारे फाइल्स को कंप्रेस कर सकते हो जिससे आप उसके साइज को थोड़ा बहुत कुछ MB में कम कर सकते हो, या फिर बड़ी साइज की फाइल है तो उसको आप कुछ GB में कम कर सकते हो, लेकिन आप 100 GB वाले फाइल्स को 100 MB में कन्वर्ट नहीं कर सकते। और ये चीज काफी हद तक उस फाइल पे भी डिपेंड करती है कि वो कितना कंप्रेस हो सकती है। तो गाइस इसलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको एक फाइल कंप्रेस करके दिखाने वाला हूं जिसमें मैंने एक फाइल को कंप्रेस किया और उसको कंप्रेस करने के बाद उसका जो साइज है वो ओरिजिनल फाइल का सिर्फ 25% ही बन गया है। तो गाइस ये सब चीज मैं आपको आगे वीडियो में लाइव करके दिखाने वाला हूं। आपको ये भी बताने वाला हूं कि मैंने कौन सा सॉफ्टवेयर यूज किया, कौन सी सेटिंग्स को यूज किया जिससे ओरिजिनल फाइल का सिर्फ 25% का ही वो फाइल रह गया है। तो गाइस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक चैनल का लिंक मिल जाएगा आपको जिस चैनल का नाम है AP Edits। उस चैनल पे आपको फोटो एडिटिंग से रिलेटेड काफी सारे अच्छे अच्छे ट्यूटोरियल्स देखने को मिल जाएंगे। आप उस चैनल पे फोटो एडिटिंग सीख भी सकते हो या फिर आप उनको इंस्टाग्राम पे DM करके आप अपनी फोटो को भी एडिट करवा सकते हो। तो गाइस अगर आप इंटरेस्टेड हो फोटो एडिटिंग में तो आप उस चैनल को भी चेकआउट कर सकते हो। तो गाइस चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस मैं आ चुका हूं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और यहां पे आप देख सकते हैं एक फोल्डर जिसका नाम है किलर बॉट, और यहां पे इसको मैं ओपन करके दिखा देता हूं। इसके अंदर एक फाइल है और यहां पे आप देख सकते हैं system.rar, एक रेयर फाइल है जिसका साइज यहां पे 1.95 है। इसका प्रॉपर्टीज मैं आपको जाके दिखा देता हूं। इसका फाइल का साइज 1.95 GB है। तो गाइस इस वीडियो में आपको इसी फाइल को कंप्रेस करके दिखाने वाला हूं। तो गाइस इस फाइल को कंप्रेस करने के लिए मैं 7-Zip सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो। इसको यहां पे कंप्रेस करने के लिए राइट क्लिक कर देना है, उसके बाद आपको 7-Zip का एक ऑप्शन दिखेगा, इसके बाद आपको नीचे एड टू आर्काइव पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का विंडो ओपन हो जाएगा। इस तरह का विंडो ओपन होने के बाद आपको कुछ सेटिंग्स करनी है जिससे आपका जो कंप्रेशन है वो अच्छे से हो सके। तो यहाँ पे आर्काइव फॉर्मेट आपको 7Z पे ही क्लिक करके रखना है। इसके बाद कंप्रेशन लेवल को आपको अल्ट्रा मोड पे, इसके बाद इसको जो भी डिफॉल्ट है LZMA2, उसके बाद आपको नीचे डिक्शनरी साइज 64 MB, इसके बाद आपका जो यहाँ पे वर्ड साइज है वो भी 64 का ही रहने दीजिए। इसके बाद आपको नीचे सॉलिड ब्लॉक साइज का एक ऑप्शन दिखेगा जिसका साइज आपको 4 GB दिख रहा है, उसको आपको यहाँ पे सॉलिड पे क्लिक कर देना है। सॉलिड पे क्लिक करने के बाद आपको नीचे नंबर ऑफ CPU थ्रेड्स का एक ऑप्शन दिखेगा जिसमें आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। इसको आप इस सेटिंग्स को करने के बाद आपको यहाँ पे सिंपली ओके पे क्लिक कर देना है। ओके पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का विंडो ओपन हो जाएगा जहाँ पे आपका जो फाइल कंप्रेशन है वो स्टार्ट हो जाएगा, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कंप्रेशन रेशियो जो यहाँ पे 61% दिखा रहा है। तो गाइस जो भी कंप्रेशन होता है वो टोटली डिपेंड करता है आपके कंप्रेशन रेशियो पे। ये जितना कम होगा वो आपकी फाइल उतनी ही छोटी हो जाएगी, अगर ये ज़्यादा हाई रहेगा तो आपका जो फाइल है वो ज़्यादा छोटा नहीं हो पाएगा। तो ऐसे कंप्रेशन रेशियो भी आपके फाइल पे डिपेंड करता है कि आपके फाइल में कंप्रेशन रेशियो कितना आपको मिल सकता है जिससे आपका जो फाइल है आपका कितना छोटा या फिर कितना ज़्यादा कंप्रेस हो सकता है। तो गाइस इस प्रोसेस को कंप्लीट होने में आपको थोड़ा टाइम लग सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं रिमेनिंग टाइम में 20 मिनट या फिर 21 मिनट का कुछ टाइम दे रहा है, उतना टाइम आपको लगने वाला है। तो गाइस यहाँ पे मैं आपको फास्ट फॉरवर्ड या फिर इसको कट करके आपको दिखा देता हूँ।
तो गाइस यहाँ पे अभी 93% कंप्रेशन कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो अभी प्रोसेस है कुछ मिनट्स में यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख लीजिए प्रोसेस यहाँ पे 1900 MB कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद यहाँ पे कंप्रेशन रेशियो की बात करें तो यहाँ पे 27% कंप्रेशन रेशियो है। इसका मतलब ये काफ़ी ज़्यादा कम है और इसकी वजह से मेरे जो फाइल की साइज़ है वो भी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी। और ये कंप्रेशन रेशियो आपको हर फाइल में अलग अलग देखने को मिलेगी, किसी में कम या फिर किसी में ज़्यादा हो देखने को मिलती है। तो गाइस अगर आप जानना चाहते हैं कि कंप्रेशन रेशियो क्या होता है या फिर कंप्रेशन कैसे काम करता है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो प्रोसेस थी वो कंप्लीट हो चुकी है और यहाँ पे जो फाइल से यहाँ पे एक कंप्रेस्ड वर्जन है, एक ओरिजिनल वर्जन है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको जो ओरिजिनल वर्जन था उसका एक बार साइज वापस से आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आपको मैं राइट क्लिक कर देता हूँ, इसके बाद मैं प्रॉपर्टीज पे जाके आपको यहाँ पे साइज देखने को मिल रहा है 1.95 GB, मतलब यहाँ पे लगभग 2 GB के आसपास का ये फाइल का साइज है। इसके बाद जो कंप्रेस्ड वर्जन है वो आपको यहाँ पे दिखा दूँ और इसका भी आपको यहाँ पे प्रॉपर्टीज में जाके इसका साइज दिखाऊँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 556 MB, मतलब 556 MB का ये फाइल कंप्रेस होके बना है। तो वैसे ये फाइल इसलिए इतनी छोटी हो सकी क्योंकि जो इसका कंप्रेशन रेशियो था वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गया। जैसे कि आपने देखा तो 27% इसका कंप्रेशन रेशियो था, जितना ही वो ज़्यादा कम रहता है उतना ही आपकी फाइल छोटी हो जाती है कंप्रेशन के बाद। तो वैसे इस तरह से आप भी अपने फाइल्स को कंप्रेस करके देख सकते हैं आपकी फाइल का कंप्रेशन रेशियो कितना आता है, जितना कम होगा आपका फाइल उतना ही छोटा बन जाएगा। तो गाइस अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके इस चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर देना।